नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावटी। मैं हूँ आपके साथ दीपक शर्मा। नीम का थाना में आज नेहरू पार्क में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्यक्रम था। विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण कर रहे थे गहलोत, लेकिन नहीं आ पाए। अभी शाम के 4 बज चुके हैं। सुबह 11 बजे के लोग काफी परेशान हैं, उनसे बात करेंगे। आप कब के आए हुए थे? 10 बजे के आए हुए हैं, और 10 बजे के इन लोगों ने पानी कोई व्यवस्था नहीं थी। छोटे छोटे बच्चे स्कूल के थे, वो प्यासे मर रहे थे और उनको कोई पानी की व्यवस्था नहीं कर रखी थी। और इन टापों से पूछा जाए, पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। बच्चों से पूछा, बच्चे आ रहे हैं। मुख्यमंत्री का इंतजार किया, आप 5 बजने को आ रहे हैं, अब तक इंतजार किया, आ रहे हैं। रुको रुको, बच्चे रुको, बात करेंगे। इधर आइए बेटा, बेटा सुन लीजिए। आप यहाँ कब से थे कार्यक्रम में? 10 बजे के बैठे हैं। वो देर से थे। 10 बजे कितने बजे के थे? अभी थोड़ी देर पहले आए थे। मुख्यमंत्री जी को सुनने आए थे क्या? क्या हुआ, नहीं आए क्या? आप बुढ़िया यहाँ थे क्या? कब के आए थे? 10:30 बजे के सुबह के। अब 4 बज चुके हैं, तो यहाँ पानी वगैरह की व्यवस्था थी या नहीं थी? पानी की थी। और बाकी मुख्यमंत्री को देखने आए थे, पानी पी रहे थे, तो आप कैसे क्या कहेंगे? आप नहीं आए तो पानी की बोतल मिली क्या? टैंकर में पिया? टैंकरों में पानी पिया आपने? इधर आइए टैंकरों में पानी पिया। बोलो, पानी अच्छा अच्छा, बिल्कुल। आप यहाँ और कोई कलाकारी या कोई डांस करते हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है। आप कहाँ से आए हो? ठीक है, इनसे बात करते हैं। इधर आ जाइए आप। साहु जी, आप कब के आए हुए थे यहाँ पे? कब के आए हुए थे? इधर आ जाइए। सुबह आए थे, कितने बजे आए थे? चाय पानी नाश्ता मिला कुछ क्या? क्या हुआ, पानी की व्यवस्था थी यहाँ पे? पानी की और धूप वगैरह की? धूप में आप परेशान हो गए थोड़ा? मुख्यमंत्री नहीं आए, आप सुनने आए थे मुख्यमंत्री को? आप अच्छा अच्छा, महाराज जी से भी जानेंगे अभी। बाबा आप कब के आए थे? सुबह 10 बजे भाई साहब। कौन से गांव से आए थे आप? ये पाटन के पास। मुख्यमंत्री का सुन गया? मुख्यमंत्री को देखने के लिए नहीं पूछे क्या बात हो रहा? अब 4 बज गए। आप सुबह 10 बजे से 4 बजे तक यहीं पे थे? यहाँ ही है, पता नहीं कैसे नहीं। यहाँ व्यवस्था कैसी थी? व्यवस्था तो बढ़िया जी, भगवान पानी पास नहीं था, छाया हुई एक कुर्सी वगैरह भी था। हलवाई से बाहर होते, मिठाई खड़ी थोड़ी बताई मैंने। आप घर पे जा रहे हो आप बिना मुख्यमंत्री को देखे सुने? बिगड़ देखे जा रही है, निराशा है। निराशा है बिल्कुल। और मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहोगे? गहलोत साहब को? गहलोत साहब को क्या कहना चाहोगे? देखो अब की बात करो, उसका नीम का थाना हम तो शुरू बनाया, अगर बना देगा तो फिर हम तो जोड़ देंगे। बिल्कुल, और आज देखने की इच्छा थी, वो नहीं हो पाई? वो नहीं हो पाई। बिल्कुल बिल्कुल। और आप भी आए थे क्या भाई लोगों? हैं, मुख्यमंत्री को देखने आए थे? क्या हुआ, नहीं आए? क्यों, कब आए थे आप? सुबह 10:30 बजे का ये बच्चा आया था, शाम के अब 4 बज चुके हैं। 2 सितंबर की तारीख है आज। नीम का थाना में मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था, लेकिन नहीं आ पाया। कहाँ से आए हो आप? जेल के पीछे से। क्या नाम आपका? साहिल है। आप मुख्यमंत्री को सुनने आए थे हैं? आप भी देखने आए थे मुख्यमंत्री को? क्या हुआ? नहीं आए सर। नहीं आए तो क्या कहेंगे आप? आना चाहिए, लेकिन नहीं आ पाए हैं। उधर चलेंगे, महाराज जी के पास चलेंगे, बात करेंगे। यहाँ पे संतगण बैठे हैं, इनसे बात करेंगे। आपका परिचय बताइए महाराज जी। मैं अगरतला बालाजी करीबा से हूँ। हाँ जी, मैं तो अगरतला जी गाँव बल्दी। हाँ जी, और मैं आया था गहलोत जी के यहाँ। आप भी गहलोत जी को देखने आए थे, सुनने आए थे? हाँ, सुनने आया था, देखने आया था, कुछ बातें रखने के लिए आया। जोर से बोलिए। हमारे हाँ बोलिए। हमारे यहाँ ये पैंथर जोन कन्वर्जन घोषित हुआ है, कुछ स्थानों पे रोड सुविधा नहीं है, जनता काफी आती जाती है लाखों की तादाद में, और उनको भारी परेशानी उठानी पड़ती है, तो इसे कुछ बातें रखने के लिए। मतलब आप जो धार्मिक स्थान की समस्या है, प्रकृति जंगल जीव से जुड़ी समस्या है, उनको आप मुख्यमंत्री के सामने रखने आए थे आज नीम का थाना, लेकिन आज नहीं आ पाए मुख्यमंत्री, तो अब क्या कहेंगे आप? अब आगे कभी मौका मिलेगा या फिर आगे पहुंचेंगे, बात तो करेंगे उनसे। अच्छा अच्छा, और आज
इस कारण से नहीं आ काम। यहाँ के प्रशासन को शिकायत की कभी आपने? हाँ, प्रशासन को मैंने कलेक्टर साहब को लिख रखा है मेरे कन्वर्जन के लिए, और मुख्यमंत्री महोदय को भी मैंने दे रखा है। हाँ जी। और मैं श्री जितेंद्र हुड्डा साहब से हरियाणा सरकार से लिखवा के ला रहा हूँ पार्लियामेंट से, उनकी सुनाई की जाए और जैसे हेल्प करी। आज मुख्यमंत्री साहब नहीं आ पाए, इसका थोड़ा निराशा हाथ लगी लोगों को? देखो, काफ़ी निराशा हाथ लगती है, काफ़ी उत्सव था लोगों के मन में कि नीम का थाना हमारा जिला बना है, और जिला बनने के बाद में नहीं, मुख्यमंत्री इस सरकार में इस समय में बनने के बाद में पहली बार नीम का थाना आ रहे थे, तो हमें उत्साह तो था ही, पर ये निराशा हाथ लगी। अब ये क्यों नहीं आए, कैसे नहीं आए, वो तो भगवान जाने। और आगे आगे मुख्यमंत्री आएंगे तो आप मिलोगे जरूर उनसे? जरूर मिलूंगा, 101% मिलूंगा, मेरी बहुत हार्दिक इच्छा। मतलब जो अधरशिला बालाजी है वहाँ पैंथर जोन नहीं है? हाँ, पैंथर जोन उनको घोषित किया गया, वहाँ रोड सुविधा साधु संतों के लिए जो लाइट सुविधा वो होनी चाहिए, श्रद्धालु वगैरह लाइट रोड इनकी व्यवस्था नहीं है, इनकी व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था होनी चाहिए, ये व्यवस्था होनी चाहिए। ज्ञापन देने आए थे? हाँ, ज्ञापन देने आया था। ठीक है ठीक है, और बाकी बात करेंगे ताऊ जी से। ताऊ जी, यहाँ आए थे आप मुख्यमंत्री को देखने? कौन से गाँव से आए थे? गुमान सिंह टाणी से। कब आए थे आप? दो घंटे पहले। आज मुख्यमंत्री नहीं आए? अब तो क्या कहेंगे आप? निराशा ही मिली है, वो क्या? निराशा मिली है, मतलब इच्छा थी आपकी देखने की मुख्यमंत्री? बिल्कुल, काफी जनता में भरोसा भी है कि मुख्यमंत्री आएंगे। हाँ बताइए। पानी नहीं है यहाँ पे? पूरी कॉलोनी दिशाई मर रही थी, मतलब पानी नहीं था क्या यहाँ पे प्रोग्राम में? प्रोग्राम में पानी नहीं था? कुछ लोग कह रहे पानी था, कुछ लोग कह रहे नहीं था। नहीं था, भूखा मरगा, दिशाया मरगा, गर्म था, सालों का बच्चा भी परेशान। आप मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में गर्म पानी था, ठंडा पानी नहीं था? ठंडा पानी नहीं था? करोड़ों रुपया खर्च होगा, जनता परेशान हो की देखवा दर्शना भी जाएगी जनता, बताओ। मतलब जनता में काफी उत्साह था कि आज मुख्यमंत्री आएंगे? उत्साह था, लेकिन वो सारा पर पानी फेर भी हो गए लोग, सबका मुंडा उतर गया। आप कौन से गांव से आए हो? मैं गावड़ी फादरा से हूँ। गावड़ी फादरा से आया। कुल मिला के आज मुख्यमंत्री को देखने की काफी इच्छा थी, इन बच्चों की आपकी भी थी क्या? तो आज कब के आए थे आप? सुबह आ गए थे, 8 बजे। सुबह 9 बजे आ गए थे आप, और अब 4 बजे तक थे यहाँ पे। तो मान लीजिए आप 9, 3, 12, 4, 7 घंटे ये छोटे छोटे बच्चे मुख्यमंत्री गहलोत को देखने के लिए बैठे रहे, लेकिन किसी कारण से प्रतापगढ़ साइड में जाने से मुख्यमंत्री आज जिले का और विभिन्न योजनाओं का जो लोकार्पण करने वाले थे नीम का थाना में, वो नहीं आ पाए। और बात हो रही थी कि वीडियो कॉल के जरिए संबोधित करेंगे, वह भी अभी नहीं हुआ। और बाकी ये दर्शक जो मुख्यमंत्री को सुनने आए थे बाहर आ रहे हैं, और ये बच्चे भी थे, पानी की व्यवस्था नहीं थी, गर्म पानी था ऐसा बता रहे हैं। कुल मिलाकर इस नीम का थाना की जनता का ध्यान रखना चाहिए था, व्यवस्था होनी चाहिए थी पानी की तो। और बाकी काफी लोगों में उत्साह है कि नीम का थाना की जनता आज मुख्यमंत्री और सुनने मिलता, मुख्यमंत्री आते तो अच्छा रहता। नीम का थाना की काफी इच्छा थी लोगों की मुख्यमंत्री आए, और आज ऐसा नहीं हुआ किसी कारण से, वो अलग बात है। आगे आएंगे तब मुख्यमंत्री को सुनने बहुत से लोग आएंगे, बात करते हैं। और ये भी हमारे, क्या नाम आपका? ये हमारे नीचे आइए, आप इतने ऊपर चले गए यार। ये क्या बोले? MLA। ये नीम का थाना के MLA बता रहे हैं अपने आप को, आगामी बता रहे हैं। ये दशरथ कुमार सेन है जो हर बार चुनाव लड़ते हैं, चाहे इन्हें जनता वोट दे या ना दे, लेकिन राजनीति के लोकतंत्र के हिस्से को, अपने अधिकार को ये जताते हैं, और हर बार विधानसभा के चुनाव लड़ते हैं। दशरथ कुमार, कितनी बार चुनाव लड़े आप? 9वां विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, 8 चुनाव लड़ चुके, पिछले 40 सालों से चुनाव लड़ रहे हैं आप। नीम का थाना विधायक बनना चाहते हैं ये। कुल मिला के नीम का थाना की जनता, आप इनको भी कमना पसंद करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए। तो नीम का थाना के लिए आपने क्या किया जो आपको जनता वोट देगी? विधायक हो आप, विधायक बन सकते हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको भी, पत्रकारों को धन्यवाद देता हूँ, और हमारे नीम का थाना तहसील की जनता को धन्यवाद देता हूँ। और
आज का जो प्रोग्राम जिन्होंने रखा था उनको धन्यवाद दूंगा। ठीक है, वो नहीं आ सके वो बात अलग है, और मैं तो ये कहूंगा गहलोत जी को आना चाहिए था। अगर ये नहीं आए तो जनता को विरोध होता है तो उससे उनको नुकसान होगा। कौन सी पार्टी से लड़ोगे आप? कांग्रेस है? मैं निर्दलीय हूँ, निर्दलीय था, निर्दलीय रहूंगा। अगर कांग्रेस टिकट देती है तो आपको? नहीं, टिकट की बजाय निर्दलीय ज्यादा लड़ूंगा। अच्छा, अच्छा। जो जनता मुझे चाहती है। मतलब टिकट बीजेपी कांग्रेस की नहीं चाहिए इनको? इनको तो निर्दलीय लड़ना है, अपना प्रयास जारी रखना है, और क्या पता सट्टे की तरह जीत जाए, ऐसा नहीं सोचते ना आप? बिल्कुल सोचता हूँ साहब, आ जाएंगे तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब ये सट्टा नहीं है चुनाव, जो सट्टे में जीत जाए आप कोशिश करिए, नीम का थाना की जनता के लिए काम करिए, कहीं ना कहीं शायद नीम का थाना की जनता आपको पसंद करेगी। और अच्छा प्रयास कर रहे हैं, पिछले 8 बार विधानसभा विधायक के चुनाव नीम का थाना में लड़ चुके हैं, और 9वीं बार अब की बार 2023-24 का चुनाव विधायक के चुनाव लड़ेंगे। दर्शन कुमार सेन, ये इनके पग में भी थोड़ी मौत चला भी नहीं जाता, लेकिन लगातार जनता के संपर्क में है, एक अच्छा व्यवहार है। धन्यवाद, आप भी आए थे क्या यहाँ पे प्रोग्राम में? क्या हुआ जनता अशोक जी गहलोत की बात देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो नौ पहुंचे, इसलिए जनता बहुत निराश है। मैं तो ये मानता हूँ कि जैसे कांग्रेस सरकार है ना, कांग्रेस सरकार भी सुरेश जी मोदी का बहुत आभार हुआ है, इसे बहुत वोट मिलते हैं इसके लिए। मैं अशोक जी गहलोत यहाँ पर नहीं पहुँचने का सबसे बड़ा कारण है कि वो प्रतापगढ़ पहुँचने थे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लेट देर के कारण यहाँ पर नहीं पहुँच। सुबह 10 बजे आए थे क्या आप? बिल्कुल, आप 4 बजे तक थे यहाँ पे, 7 घंटे से लगातार लोग नीम का थाने की। तो इसका पानी की व्यवस्था थी यहाँ पे? बिल्कुल पानी की व्यवस्था थी। और प्रभाव क्या पड़ेगा आपके अनुसार? आप एक युवा है, युवा मतदाता है, वोट डालते हो आप, उम्र हो गई आपकी, तो आप क्या कहेंगे इस नीम का थाना के कार्यक्रम को लेकर, और कहीं ना कहीं इस नीम का थाना की राजनीति को लेकर? क्या नीम का थाना की राजनीति को लेकर नहीं आए मुख्यमंत्री, या किसी कारण से नहीं आए, अब क्या प्रभाव पड़ेगा नीम का थाना की राजनीति को लेकर? नीम का थाना पर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ेगा, इसका कारण गहरा प्रभाव पड़ेगा। सुरेश जी मोदी पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, नहीं आने का कारण बहुत बड़ा कारण था। इसकी जगह मैं तो ये मानता हूँ कि सचिन पायलट अगर इसकी जगह होते तो बिल्कुल यहाँ पर पहुँचते, और इस जनता को यहाँ पर बड़ा से बड़ा सौगात देके जाते। बिल्कुल, सचिन पायलट ये कह रहे हैं यहाँ पे होते तो बड़े से बड़ा सौगात देके जाते। धन्यवाद, इसी इतना ही दिखाना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। और ये दशरथ कुमार सेन है, अच्छा मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते हैं, तो आप क्या कहते हैं विधायक? अब ये देखो आपके सामने दिखाओ और टीवी में क्या क्या लिख रखा है आप बता दीजिए। मैं ये चाहता था कि नरेंद्र जी मोदी और अपने यहाँ देश में राजस्थान के अंदर गहलोत जी ये दोबारा आएंगे, और 99% है कि गहलोत जी दोबारा आएंगे, ये निश्चित है। और गहलोत जी भी है और उधर अपने नरेंद्र जी मोदी, उनके लिए मैं ज्ञापन लेके आया हूँ। तो राजस्थान में कहीं टिकट के लिए तो आप नहीं कर रहे हैं प्रयास? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मेरे तो जनता की टिकट है नीम का थाना की। और ये देखो नरेंद्र जी, हाँ जी, उनके लिए भी दिए हुए हैं। धन्यवाद आप सभी को, जय हिंद जय भारत। अजी दिखा दिया ना, ये रहा, दिखा दिया।